तो ये चीज़ है जनाब इधर। अच्छा जी, तो आप ये देख रहे हैं, ये जनाब काम आता है गाड़ियों में जब, क्योंकि स्नो वगैरह पड़ती है। ओके जी, तो खैर जनाब दिन है सैटरडे का, तो अभी बच्चों को लेकर गाड़ी में बैठने लगे हैं, जा रहे हैं जनाब। मुर्तजा की क्लास है फुटबॉल की, उसके फर्स्ट फुटबॉल की क्लास होगी, उसके बाद फिर जनाब हमने जाना है अपने आई चेक करवाने हैं सब ने। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। ओके जनाब, खैर स्कूल में पहुंच चुके हैं, तो अभी थोड़ी देर बाद मुर्तजा की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। अभी तक तो मैंने व्लॉग नहीं स्टार्ट किया, बहरहाल अभी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी, के अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक करते हैं आप सबको एक नए व्लॉग में। बने रहे मेरे साथ, जो मेरे चैनल पर नए जल्दी जल्दी चैनल को करें सब्सक्राइब, ताकि इस तरह के मज़ेदार से व्लॉग आपको फौरन मिल सकें। बहरहाल अभी अंदर चलते हैं, तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। अच्छा जी, खैर अभी उनकी क्लास हो गई है ख़त्म, तो अभी चलते हैं कोई पेट पूजा करते हैं हल्की फुल्की, फिर उसके बाद टाइम हमारा हो जाएगा तकरीबन 4:30 बजे। 4:30 बजे की अपॉइंटमेंट है, तो ये है कि 15-20 मिनट पहले उधर पहुंचना है, तो वहाँ पे पहुँचेंगे। तो अगर पॉसिबल हुआ तो आपको भी दिखाएंगे, नहीं हुआ तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बहरहाल जनाब ये एरिया है इधर का, देखें ये सारा स्कूल का एरिया जितना भी है। तो खैर हल्की हल्की बारिश भी आ गई है, आसमान पर देखें कितने गहरे बादल छाए हैं, हवा भी चल रही है ठंडी ठंडी, ये देखे। बहरहाल अभी बैठते हैं कार में, तो चलते हैं जनाब। अच्छा जी, खैर अभी हम मॉल में पहुंच चुके हैं, तो अभी चलते हैं जनाब, चलकर केक पसंद करते हैं, क्योंकि आगे बर्थडे आ रही है, तो उसके लिए केक पसंद करते हैं, देखते हैं अपनी पसंद का होता है या बच्चों की पसंद का होता है, बाकी तफसील आपको बाद में बताते हैं। मगर आज ये है कि आज रश काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि छुट्टी है, तो ब्लैक फ्राइडे भी है, तो काफ़ी ज़्यादा सेलें वगैरह लगी हुई हैं, तो हर तरफ ना जनाब बंदे ही बंदे हैं, बंदे पे बंदा चढ़ रहा है, जिसकी वजह से जनाब हर तरफ ना हर कोई बंदा जो है कोई ना कोई चीज़ खरीदने की कोशिश में लगा है। बहरहाल करते हैं, केक पसंद करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। अच्छा जनाब, बच्चों ने अभी अपनी किस्मत आजमाई की, तो फुटबॉल में ना वो खेल रहे थे बोर्ड पे, तो आपको भी दिखाते हैं, आप एंजॉय करें। खैर दोनों ने जनाब अपनी अपनी स्लीव विन की है, मुर्तजा ने 3 जो है ना वो एक साथ में गोल किए और एक नहीं हुआ, तो मुस्तफ़ा ने आई थिंक 2 किए, इस तरह हुआ कुछ। बहरहाल आप पहले वो देख लें, बाकी फिर मिलते हैं बाद में। Oh.
ओके जनाब, खैर अभी टाउन सेंटर से आ गए हैं फूडी की तरफ, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास एक घंटा है, तो जाएंगे जनाब अपनी आंखों के चेकअप करवाएंगे। बहरहाल आपको दिखाते हैं। तो ये सामने रहा जनाब फूडी, तो खैर अभी इधर आए हैं। ये यहाँ से क्या लेना है जनाब? यहाँ से लेमन टी लेनी है, अगर उसकी प्राइस सेम हुई जैसे लास्ट टाइम ली थी तो लेकर वो चलते हैं फिर वापस मॉल की तरफ। तो ये टी है जनाब इधर वो सामने, ये देखा आपने, ये नेस्टा। खैर अभी हमने जो ख़रीदनी है वो ख़रीद लिया। तो ये देखें जनाब की केन का, ये केन की प्राइस जो है वो सस्ती है, तो जिस वजह से यहाँ पे आए हैं लेने के लिए। और ये ड्रिंक्स वगैरह इधर हैं जनाब लगे हुए, ये देखें, ये चाइनीज़ मार्केट है फूडी जितना ना, ये सब चाइनीज़ है। अच्छा जी, तो खैर अभी जनाब फूडी से होकर कनीजे स्टोर पर आए हैं, तो यहाँ से अभी कुछ एक दो चीज़ें लेनी है वो लेते हैं, आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ खरीद करना है, फिर उसके बाद चलते हैं वापस टाउन सेंटर में। अच्छा जी, तो आप ये देख रहे हैं, ये जनाब काम आता है गाड़ियों में जब, क्योंकि स्नो वगैरह पड़ती है ना तो माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, अगर पानी यूज़ करें तो वो तो ऑफकोर्स ही बात है कि वो आइस बन जाएगी, तो उसकी जगह पे ये यूज़ करते हैं ताकि जब भी अपने ग्लास को साफ़ करें सामने वाला फ्रंट जो है तो उसमें ये जमेगा नहीं, तो गाड़ी के अंदर भी जो है ना ये फिर इसी तरह रहता है, जिस वजह से इसको यूज़ किया जाता है। ये भी है और इसके अलावा एक ये भी है, ये दो देखें, ये दोनों जनाब गाड़ी में यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ से जनाब ये मफिन वगैरह लेने लगे हैं, ये देखें इनकी प्राइस $5 है, अगर आपने लेने हो आएँ खाएं मज़े करें एंजॉय करें। और बाकी इसके अंदर का माहौल देखें, ये कोई छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा जनाब सुपर स्टोर है। अच्छा जी, तो खैर हम अभी दोबारा जो है वो वापस माल में पहुंच चुके हैं, अभी चलते हैं, हमारा टाइम भी हो रहा है आई चेकअप का, तो आपको भी दिखाते हैं कि वो आई चेकअप के तरह बस उसके पास ही पहुंच चुके हैं, अभी चलते हैं अंदर। मगर ये है कि पहले हम उधर थे, पहले से नस्बत जब पहले चक्कर गए ना उससे पहले अभी काफ़ी ज़्यादा इधर रश हो चुका है, अभी काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं बाहर भी, आपने देखा कि किस तरह जो है ना ट्रैफिक जैम थी। तो ये जनाब है अभी हम पहुँच चुके हैं, ये इसके इधर अंदर जाना है अभी, तो अंदर चल कर दिखाते हैं अपनी आई वगैरह भी। तो ये देखें इधर अंदर चलते हैं अभी। ओके, डोंट पुट योर फिंगर हियर। तो अभी जी सिर्फ अपना अभी आई दिखाई है, आई का टेस्ट हुआ, अभी ये सामने जो है ना इसके अंदर जाना है, तो डॉक्टर हमारा इधर अंदर है, हमारी सॉरी औरत है चाइनीज़ है, वो भी वो देखेगी, तो अभी देखते हैं कि वो क्या सजेस्ट करती है। अभी तो सिर्फ मशीन में आई टेस्ट हुआ है, खैर वो अभी आपने देख लिया, बाकी प्रोग्रेस जो भी होगा आपके साथ करते हैं शेयर। पहले तो पूछना पड़ेगा, हो सकता है इधर अंदर ना ही कोई चला हो, मगर ये है कि डॉक्टर जो कुछ भी बोलेगा तो आपको एक साल भी करेंगे शेयर।
What's about just got in my way? Okay. Can you read? Okay. Yeah. One moment here. Can you read? Stop. TZVEC. Okay, is it more clear with number one or number two here? All clear, like same. The same. Yeah. Okay, have a one or two is more clear or the same. Yeah, same. Clear. Okay, other eye here. Can you read the bottom here? HL USP. Is it clear with the first or the second here? First was clear. This is more sharp? Yeah. Okay. How about this one? A little bit more blurry? Yeah, a little bit. Okay. And how about this one? Number one or number two is better? First and... The first? Yeah, first and this one was more clear than the middle. The second. Yeah. And number two or number three is clear? Number two or number three? Any difference? Yeah, this one. Polarity. Stop. This is more sharp, right? Yeah. Okay. All right, both eyes. Go ahead and read the bottom. HLUSP. Okay. Can you read the bottom of my pen, please? This one here. Yeah, yeah. APEORFDZ. So, you do have a small prescription in your left eye. I'm going to show you now. So looking out there for me in the mirror, I know you can read the bottom line there, right? Yeah. If I do this here, let me just see this line, it's pretty dirty. Okay, looking up there, is that more sharp? No sharp, but not no. No, no, that's more blurry? Okay, cover, when you put this one, yeah. Blurry, but now okay, I... Cover that eye. How about like, sorry, like this? Yeah, more clear. More clear. Yeah. So that's what I'm talking about, okay? That's the small prescription. Mm. Okay. Let's take a look in here. Move your finger there. Yeah. Starting them young. Yeah, all right. You need to go teach ahead them. And put your chin here, please. Okay, you're going to look over. Open big, big, big. Look up to the ceiling. To your right side, to your left. Straight ahead. Don't move it. Over there. Okay. Up to your right side. Down to the back. You can sit back. Do you wear sunglasses, sir? Okay. You need to wear sunglasses. You need good sunglasses. Yeah. Yeah, yeah. Sometimes I wear. Okay, but you need to wear them even days when it's hazy. Okay. Okay. You know why? Because in your eyes, you do have this condition. But you know why this red eye? Yeah, I'm explaining. It's this. Yeah. You have something called a pinguecula. What this is, it's a tissue growth inside your eye. Yeah, yeah. It's a raised yellowish, you know, red tissue growth, and it's caused by the UV rays. The UV rays is what causes this growth. Yeah. So that's why I'm recommending you do need good UV protection. Because do you know why? Because when I was in Hong Kong, yeah, whole day work under yeah. the sun. And I'm a sportsman, playing cricket, that oh, is also under I the see, sun, so I that's see. Why. I see, okay. So yeah, it's likely you've had so could you move? Time, but yeah. Definitely it's important to have a good UV protection because we want to prevent this from getting worse, where now it becomes a pterygium. So pterygium is where now that raised tissue growth goes into your pupil. Yeah. Then at that point, it's going to affect the vision, you need surgery to remove it. This pinguecula is worse in your right eye. I don't know if you can tell, but it's really starting to be on the edge of yeah, coliform. I can see it. Yeah. So definitely, you know, we want to prevent it from getting that. Okay, so make sure he has a good. Okay, so with the prescription, you can consider getting like the sunglasses, things like that. Okay. Yeah, sure. All right. So I am now going to put some drops in your eyes. Okay. This is going to make the pupils bigger. Okay. So I can take a look inside your eye. Okay, so just so you are aware of the drops, it will cause a little bit of blurriness up close, okay? All right, go ahead and look all the way up to the ceiling. Okay, turn your head towards me, please. Look all the way up. Okay, keep your eyes closed. Burning is normal, okay? Behind it. Hmm? Stop.
Is there any family history of any eye conditions? No. No? Okay. So what I'm also strongly recommending today is we definitely should have more of an in-depth check inside the back of that, okay? Given that this is your first eye exam, we do want to ensure that the structures inside the eye are healthy. So I am strongly recommending the retinal imaging, which is a photo we take at the back of her eye, okay? So we can assess more in detail the structures and ensure everything is healthy, that there's nothing abnormal going on. Sure. So just a quick photo we'll take in a little bit, and then I'll go over all the results within about 10 minutes. Okay. Sure. And you are aware that the imaging is $50 additional for the exam, okay? Mm-hmm. All right. So let's head out now. You can see here. तो ये जी सन ग्लासेस मुझे रिकमेंड की गई हैं, क्योंकि अक्सर सन में बाहर जा निकलो तो ये वाले ग्लासेस पहने हैं। अच्छा जी, तो ये खैर आपको मेरे पीछे जो ट्री नज़र आ रहा है, क्योंकि इनकी आगे क्रिसमस आ रही है, तो ये सारी उसकी तैयारी हुई है, जिसकी वजह से इन्होंने अपने जनाब ये नीचे जो है डेकोरेशन वगैरह बनाई है, ट्री बनाए हैं, उसके बाद सेंटा भी इधर ही बैठता है, तो हर बंदे आते हैं अपनी अपनी तस्वीरें वगैरह लेते हैं। खैर आपने इन्जॉय किया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इन्जॉय किया होगा, जो वीडियो भी बनाई है, क्लिप आपने देखे हैं, कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना कि आपको कैसे लगे हैं। ओके जी, तो खैर हमारा आई चेक वगैरह सब कुछ हो चुका है, तो अभी हम घर पहुंच चुके हैं। तो उन्होंने हमें क्या रिकमेंड किया, रिकमेंड ये किया कि जनाब जब बाहर निकलें खासकर सूरज में तो सन ग्लासेस पहना करें। तो खैर सन ग्लासेस वगैरह पहना करेंगे, अभी घर पहुंच चुके हैं। तो आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब और शेयर करना। इंशाल्लाह मिलेंगे आप नए व्लॉग में, तब तक के लिए दे इजाज़त, अपना रखना ख्याल, दुआओं में रखना याद। अल्लाह हाफिज़।